कुंडगांव नगर पालिका के एरिया में वार्ड क्रमांक 12 अस्पताल वार्ड में एक सड़क ऐसा है जहां पर बिजली के 4 खंभे लगे जो कि कभी भी बहुत बड़ी दुर्घटना को अंजाम दे सकती है और एक बार यहां दुर्घटना भी हो चुकी है, ऐसे मोहल्ले वालों का कहना है। और इस रोड के ठीक बाजू में मिडिल स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे भी इस रोड से गुजरते हैं और इस रोड से इधर दो वार्ड दो मोहल्ले के लोग भी इसी रोड से गुजरते हैं और मोहल्ले वाले इस पोल को हटाने के लिए नगर पालिका कलेक्टर ऑफिस और बिजली ऑफिस भी आवेदन दे चुके हैं लेकिन यह पोल क्यों नहीं हट पा रहा है यह समझ से परे है। सामने जो पोल है वो बहुत बड़ा एक्सल ब्रेकर बन गया है, वहाँ बच्चे लोग के लिए बहुत परेशानी है, कोई भी गाड़ी आकर ठोक सकता है और जब तक पोल नहीं हटेगा तब तक खतरा का संकेत रहते रहेगा। तो अभी तक कुछ दुर्घटना हुई है क्या? दुर्घटना हो चुका है, एक बार पोल को एक गाड़ी वाला ठोक के चला गया था, दूसरा बार इधर का वायर को मार दिया रहा। बिजली वाले को बोलते हैं तो बिजली वाले भी आते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते हैं, नगर पालिका भी बोले लेकिन नगर पालिका वाले भी कोई ध्यान नहीं दिए इस चीज़ को, क्योंकि हम जहाँ काम कर रहे हैं हमारा ही ये लाइन को मार दिए रहे, रातों रात आते हैं कोई गाड़ी वाला ठोक के चला जाता है किसी को पता नहीं लगता है। अभी आप क्या चाह रहे हैं? अभी मैं चाह रहा हूँ कि ये वाला पोल यहाँ से हट जाए तो अच्छा रहेगा, इधर स्कूल है, इधर हम काम करते हैं और लोग यहाँ से आना जाना करते रहते हैं, बहुत कभी भी दुर्घटना हो सकती है। तो इस ढंग का ये कितना पोल होगा लगभग? इसमें क्या ये सामने है वो चौक में ये पोल हटना बहुत जरूरी हो गया। कार्यालय कार्यालय में गए थे, नगर पालिका गए थे और अपना पार्षद को भी बोले तो वो ध्यान नहीं दे रहे इस बात के लिए। ये कितना पोल आता होगा यहाँ पे? लगभग यहाँ पे पोल लगभग 4 पोल है, 4 पोल हट जाए तो शायद समस्या थोड़ा सा कम हो जाएगा। इस वीडियो को देखने वालों से मैं अपील करना चाहूँगा संबंधित अधिकारी जिला कलेक्टर समीर बिश्नोई जी से फ़ोन पर बात कर इस समस्या को सुलझाएं। समीर बिश्नोई जी का लैंडलाइन नंबर है 077-86-24-20-01। इस नंबर पर बात करें और इस समस्या को सुलझाएं। मैं खिरेंद्र यादव, इंडिया अनहर्ड के लिए कोंडागांव छत्तीसगढ़।